हेलो एवरीवन, सो आज हम जानेंगे हॉल इफेक्ट के बारे में कि हॉल इफेक्ट क्या होता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हॉल इफेक्ट इज द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स थ्रू अ कंडक्टर टुवर्ड्स अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन. तो हॉल इफेक्ट होता क्या है? जब हम चार्जेस के फ्लो का बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में जानते हैं, उसे हॉल इफेक्ट कहते हैं. ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई एडविन हॉल इन 1879. इसकी डिस्कवरी एडविन हॉल ने की थी 1879 में. ओके, नेक्स्ट. इट कॉजेज मेजरेबल वोल्टेज डिफरेंशियल अक्रॉस द कंडक्टर सच दैट वन साइड इज पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर इज नेगेटिवली. ओके, सो इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं डायग्राम के थ्रू. जो चीज मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है. ओके, मान लीजिए आपके पास एक कंडक्टर है. ओके, और आपने एक बैटरी यहाँ पे लगाया है, तो करंट का फ्लो इधर होगा और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इधर होगा. सो इलेक्ट्रॉन्स जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो करेंगे, है ना. मान लीजिए आपने यहाँ पे एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तो क्या आपको कुछ वोल्ट मीटर वैल्यू दिखाएगा? नहीं, यहाँ पे बिल्कुल जीरो दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ करंट का फ्लो हो रहा है. ओके, नेक्स्ट. अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पे हमने एक मैग्नेट रख दिया, यहां पे एक साउथ पोल रख दिया. ओके, अब क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स फ्लो होंगे, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक लाइंस यहां से यहां नॉर्थ टू साउथ इस कंडक्टर को पेनिट्रेट करते हुए यहां पे आएंगे, है ना. और जब भी ऐसा होता है तो एक फोर्स अप्लाई होता है चार्जेस पे. ओके, उस फोर्स को हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं. फाइन, ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उन पे एक फोर्स अप्लाई होता है. ओके, उस फोर्स को हम बोलेंगे लॉरेंज फोर्स. अब अगर आप यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा के देखेंगे तो आपको कुछ सर्टन वैल्यू शो करेगा. ओके, और फोर्स तो हमने जान लिया कि लॉरेंज फोर्स है, बट अभी हमें डायरेक्शन नहीं पता है कि किस तरफ हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है चार्जेस को. ओके, तो हम जानेंगे इसे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो हमें क्या जानना है, नेगेटिव चार्ज के बारे में जानना है. ठीक है, सो इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं इसके द्वारा, ये लेफ्ट हैंड रूल है. ओके, अगर आपका फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है तब आपका क्या होगा, ये इंडेक्स फिंगर वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज करंट ये शो करेगा, और वहीं पे ये थंब अपर डायरेक्शन में फोर्स, ओके, फोर्स करेगा. तो इसको हम जानेंगे मेनली जो लेफ्ट हैंड रूल है, लेफ्ट हैंड थंब रूल है, ये नेगेटिव चार्जेस के लिए है. ओके, सॉरी, पॉजिटिव चार्जेस के लिए है, माय मिस्टेक, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है. बट हम लेफ्ट हैंड रूल को लेके, लेफ्ट हैंड थंब रूल को लेके चल रहे हैं, और पॉजिटिव चार्ज में अगर हम डायरेक्शन फाइंड कर लेंगे तो ठीक उसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज में होगा. ओके, ठीक उसका अपोजिट नेगेटिव चार्ज में होगा. ओके, तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड तरीके से इस तरफ लग रहा है, ठीक है, कुछ इस तरफ लग रहा है, तो फोर्स किस तरफ होगा, इसको ठीक नीचे कर लेंगे हम. अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होगा. पॉजिटिव चार्ज के लिए कह रही हूं मैं, पॉजिटिव चार्ज के लिए, है ना. तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, इसका अपोजिट, है ना. तो अब नेगेटिव चार्ज के लिए जानेंगे, नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स किस तरफ लग रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से. तो क्या होगा, यहाँ पे तो बहुत सारे करंट, आई मीन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो इनका फोर्स कुछ इस तरीके से इस तरफ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा. इस तरीके से क्या होगा कि ये फोर्स के वजह से ये सारा यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट, एक जगह कॉन्सेंट्रेशन इसका बनता जाएगा, इकट्ठा होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे. इस तरीके, इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे होल्स क्रिएट होते जाएंगे, जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स हटेंगे वहां वहां से हिलो होल्स क्रिएट होते जाएंगे. तो क्या होता है कि इधर पॉजिटिव पोटेंशियल, यानी कि यहाँ पे होल्स का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इधर होल्स और इधर इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से क्या होता है कि इधर नेगेटिव पोटेंशियल बन जाता है और इधर पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाता है. अब यहाँ पे अगर वोल्ट मीटर लगा के देखें तो हमें कुछ यहाँ पे सर्टन वैल्यू शो करेगा. ओके, अब ये शो करता है कि इधर कुछ लेस पोटेंशियल होता है क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है, और ये मोर पोटेंशियल, यानी कि पॉजिटिव पोटेंशियल, इस वजह से ज्यादा पोटेंशियल उधर रहेगा. सो दैट्स ऑल. और ये लॉरेंज फोर्स, इफ चार्ज पार्टिकल्स मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट क्रिएट्स अ फोर्स.
ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो इस चीज को हम हॉल इफेक्ट कहते हैं, और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको हम हॉल वोल्टेज कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। ओके सो दैट्स ऑल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।